अब अनबॉक्सिंग करने के भी कई तरीके हैं यार, या तो सिंपली कर लो ऐसे ऐसे। नहीं यार, इसके अंदर भी तो फोन है। ये रहा गाइस फोन, और ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे अनबॉक्स, हम करेंगे कुछ इस तरह। तो गाइस फाइनली आ चुका है हमारे पास अब इसका रिटेल बॉक्स, जिसमें है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत बाहर में दी हुई। यहाँ पर लिखा है C1, नीचे लिखा है Realme, साइड में देखें तो Realme C1 लिखा है। यहाँ पर शायद इसकी प्राइसिंग वगैरह होगी, और मेड इन इंडिया है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। बॉक्स तो इनका सेम ही चला आ रहा है, जो भी टिपिकल ये एक वाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दे रहा है Realme। अब इसके बाहर भी ये जो प्लास्टिक रैप होता है, इसको भी मैं निकाल सकता हूँ ऐसे जादू से, लेकिन मुझे ये करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं ऐसे एक बार करके देखता हूँ, मज़ा आता है यार। ऐसे चाकू वाकू मारने में ना बड़ा मज़ा सा आता है मुझे थोड़ा सा इसमें बॉक्स में, लेकिन फिर ऐसे ना मतलब इसे नाइफ वगैरह से खोलने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये नीचे की फिल्म हमने हटा दी है, अब ये ऊपर की भी हटा देंगे। इस चाकू को रख देते हैं दूर, इसका कुछ काम है नहीं। और गाइस बस अब बॉक्स में तो कुछ खास ऐसा है नहीं देखने को, अब इसे सीधा यहाँ से इस बॉक्स को निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसको रख लेते हैं यहाँ पर साइड में। उससे ऊपर तो यार ये एक सेक्शन होता है, इसके अंदर हमें पता ही है क्या क्या होता है, निकाल लेते हैं फिर भी एक बार इसमें क्या है। तो इसमें यहाँ पर है एक बेसिक TPU केस, इसकी क्वालिटी तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, इसे रखते हैं एक मिनट साइड में। और ये है यहाँ पर वारंटी से रिलेटेड कुछ पेपर वर्क, इसे भी रख लेते हैं हम साइड में। तो कुल मिला के इस पैकेज में हमें फ़िलहाल इतना ही मिला है अभी तक। इसे देखेगा इस, तो ये है हमारा बिल्कुल ब्रांड न्यू नया Realme C1। इसको अगर हम निकाल लेते हैं कुछ ऐसे, इसको रख लेते हैं 2 मिनट के लिए एक बार साइड में, और हम देखते हैं कि बाकी के बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमने देखा है एक चार्जर यहाँ पर है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसकी रेटिंग एक बार मैं देख लेता हूँ, 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का है, तो एक नॉर्मली फास्ट चार्जर नहीं है, ये एक नॉर्मल चार्जर है जो इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए काफ़ी रहेगा। और अगर ये डेटा केबल भी ठीक ठाक सी लग रही है, एक बार देख लेते हैं कैसी है ये। टाइप सी पोर्ट भी नहीं मिलेगा यार आपको 7000 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर, तो इसे भी रख लेते हैं एक बार के लिए साइड में। और अब जाते हैं हम इसमें अपने मेन फ़ोन की तरफ, इसे कर लेते हैं अनरैप और देखते हैं क्या निकलता है अंदर से। अरे वाह यार मज़ा आ गया देख के, बड़ा मस्त चमकीला सा फ़ोन लग रहा है ये देखने में, ग्लॉसी फिनिश है ऑब्वियसली यार, बड़ा मस्त लग रहा है देखने में। यार इसमें थोड़ी बहुत डस्ट लगी हुई है, तो मेरे हिसाब से आपने भी कभी ना कभी ये तरीका अपनाया होगा डस्ट साफ़ करने के लिए। मैं भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत हो जाएगी डस्ट साफ़। और अब इसे भी रख देते हैं हम साइड में, और अब देखते हैं यार बिल्कुल यहाँ पे प्लेन ग्लास बैक है, काफ़ी सही लग रहा है देखने में मुझे तो। और सामने की तरफ है यहाँ पर इसकी स्क्रीन 6.2 इंचेस की, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, 7000 के प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी सही डिस्प्ले दिया है इन्होंने बड़ा। और वो भी मज़े की बात यह है कि वो डिस्प्ले भी नॉच वाला है। सो कर लेते हैं एक बार बूट, और तब तक मैं बताता हूँ इसके फिजिकल ओवरव्यू आपको। वाइब्रेट हो चुका है, यहाँ पर लिखा गया Realme पावर्ड बाय एंड्रॉयड। राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाएगा देखने को। चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली खाली सा है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक सिम ट्रे मिल जाती है, और उसके बाद में आपको मिल जाता है यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स, जो कि Realme हमेशा लेफ्ट साइड में देता है। एक बार हम सिम ट्रे को चेक करते हैं कि इसमें सिम कैसा है, इसके बिना तो शायद ये फ़ोन यूजलेस ही हो जाएगा। फिर चेक कर लेते हैं एक बार हमें किस टाइप की ट्रे मिलती है यहाँ पर, क्या हमें यहाँ पर डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा मेमोरी कार्ड के लिए या फिर नहीं। क्या हमें यहाँ पे डेडिकेटेड कार्ड मिल रहा है? बिल्कुल हाँ गाइस, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है यहाँ पर हमको मेमोरी कार्ड के लिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है यार, इसके बिना तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस फ़ोन की मेमोरी है 16 GB, तो फिर मेमोरी कार्ड की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी यहाँ पर। ये फ़िलहाल बूट हो चुका है, मैं इसको जल्दी से सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसा है ये फ़ोन। हो चुका है हमारा फ़ोन यहाँ पर सेट, और यहाँ पर लिखा आ गया है गेट स्टार्टेड। गाइस ये हो चुका है हमारा फ़ोन बूट, और इसको कर लेते हैं अनलॉक सिंपली। अब देखते हैं यहाँ पर इसका कलर OS है 5.1 वर्जन, जो भी इसमें अभी यूज़ हो रहा है। ओप्पो का पर्सनल UI जो कि काफ़ी सही लगता है मुझे। थोड़ी सी अगर यहाँ पर मैं ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो ऐसा सिंपल काफ़ी स्मूथ यहाँ पर स्वाइपिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ हो रही है। एक बार जाके देखते हैं सेटिंग में कि क्या है इसका हिसाब किताब, प्रोसेसर वगैरह का। प्रोसेसर तो मुझे पता है स्नैपड्रैगन 450 है, लेकिन बाकी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर
कलर ओएस वर्जन है 5.1, एंड्रॉयड वर्जन भी 8.1 है, जो काफ़ी अच्छी बात है। रैम आपको यहाँ पे 2GB की मिल जाती है, और जो डिवाइस की स्टोरेज है वो 16GB, जिस हिसाब से इन्होंने स्टोरेज दी है 7000 के प्राइस में ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको, वरना उसके बिना शायद आपका काम कुछ रुक जाए। सिक्योरिटी पैच लेवल भी आपका अगस्त का है, जो कि काफ़ी सही बात है। अगर इसे मैं पीछे की तरफ घुमाता हूँ तो यहाँ पर आपको दो कैमरे मिल जाएंगे देखने को, उनमें से अगर एक कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और दूसरा है यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का। उसके बगल में यहाँ पर आपको मिल जाता है एक LED फ्लैश, और उसके नीचे पे यहाँ पर एक चीज़ जो मिसिंग है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन उसकी यहाँ पर पूरी कंपनसेशन कर रहा है यहाँ पर जो फेस अनलॉक है, काफ़ी सही काम करता है ये, मैंने पहले रिव्यूज़ वगैरह में देखा है। अभी हम ट्राई करके देखेंगे किस तरह से चलता है इसका फेस अनलॉक। नीचे यहाँ पर रियल मी की ब्रांडिंग है, और यहीं पर कहीं पर है काफ़ी बड़ी बैटरी 4230 mAh की, जो कि आपके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है। उसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर लगा है स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर। चलते हैं एक बार कैमरे की तरफ और देख लेते हैं कि कैसा है इसका कैमरा। एक शॉट लेता हूँ मैं ऐसे में, और एक लेता हूँ मैं कुछ ऐसे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको फोटो को, तो डिटेल्स काफ़ी अच्छी आई हुई है यार यहाँ पर, और अगर आप देखें तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे। मतलब यहाँ पे पीछे से ब्लर करा है इसने, जबकि मैंने पोर्ट्रेट मोड नहीं ऑन करा था। अब एक बार सेट करके देखते हैं यहाँ पर फेस अनलॉक कैसा है, कितना तेज़ है और कितना नहीं। तो यहाँ पर जाते हैं हम लॉक स्क्रीन पास कोड, यहाँ पर पास कोड पहले ऑन करना पड़ेगा, सिंपल सा लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6, हमारा सिंपल वाला है। दोबारा से एक बार वेरीफाई कर लेंगे इसे, तो यहाँ पर फेस यहाँ पर एनरोल कर लेते हैं यहाँ पर एक सिंपल सा, लेकिन पहले डालना पड़ेगा पास कोड, और उसके बाद एनरोल फेस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अब आएगा एक फेस एनरोल करने के लिए। यहाँ पर हो चुका है हमारा फेस एनरोल, अभी तो ये देख रहा है कैमरे की तरफ और घुमाता हूँ मैं इसे अपनी तरफ, और ये अनलॉक हो चुका है। दोबारा से देख रहा है कैमरे की तरफ, देखा इसने मेरी तरफ और अनलॉक। मतलब यार काफ़ी तेज़ लगा मुझे, काफ़ी तेज़ है, मतलब यहाँ पर लॉक स्क्रीन नहीं आया, जितना रियल मी 2 में था उतना ही तेज़ लगा ये मुझे।